पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी, आज की वीडियो में हम स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले हम कुर्ते की स्टिचिंग देखेंगे, उसके बाद हम सलवार की स्टिचिंग देखेंगे। कुर्ते के स्टिचिंग में हमने फ्रंट वाला भाग इस तरह से कटिंग किया था और बैक साइड वाला भाग इस तरह से कटिंग किया था। सबसे पहले हम शोल्डर टू शोल्डर स्टिच करेंगे, बैक साइड को इस तरह से ओपन करेंगे। ये हमारा सीधा भाग है, यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक रखना है और नीचे की तरफ से एक रखना है। इस तरह से पकड़ते हुए हम आधे इंच पे स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद इस भाग को हमें इस तरह से ऊपर की तरफ करना है। इसे भी हम इसी तरह से ऊपर करेंगे और इसे यहाँ पे प्रेस से क्लीन कर लेंगे। पहले हमने इसे प्रेस कर लिया है, अब इसकी जो खुली साइड है ये देखिए, हमारे डबल कपड़ा ही है, यहाँ पे हमें स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। हमारे पूरी साइड हमने लॉक कर ली है, अब फ्रंट साइड की बटन पट्टी बनाने का तरीका देखेंगे। फ्रंट साइड की बटन पट्टी बनाने से पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे बटन पट्टी की भी कटिंग करनी है। गला हमने 2 इंच पे लिया था, यहाँ पे हम 2.25 पे इस तरह से डॉट लगाएंगे और बॉक्स तैयार करते हुए इसे राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हमें बटन पट्टी 7.5 इंच की लेनी है, 7.5 इंच पे हमने डॉट लगाया है। हमने गले की कटिंग कर ली है, यहाँ पे 7.5 इंच का जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहां तक इसकी स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रेट में हमारी कटिंग यहाँ पे इस तरह से हो गई है। यहाँ पे हमें बटन पट्टी तैयार करनी है, उसके लिए हमने ये इस तरह से 3 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई ज्यादा है, हम बटन पट्टी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, बाकी की कटिंग कर लेंगे। बटन पट्टी के लिए हमने इस तरह से ये बॉटम कैनवास की पट्टी ले ली है, 7.5 इंच पे हमने बटन पट्टी कट की है, 8.5 इंच पे हम इसे डॉट लगाते हुए कट लगा लेंगे। हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है, इसे तैयार करने का तरीका देखेंगे। और आधा इंच छोड़ते हुए हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे, आधा इंच हमें छोड़ना है। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम इसे प्रेस लगा लेंगे। बाद जो हमारा ये कोन है, कोन के मुताबिक हम कपड़े की कटिंग करेंगे। ये साइड इसकी तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से हमारी बटन पट्टी तैयार हो जाएंगी। अब साइड का जो कपड़ा है हमारा, ये देखिए इस तरह से हमारा जो कपड़ा है इसे हम 1/2 इंच पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है। दूसरे साइड से हमें फिर से एक कपड़ा लेना है 2 इंच चौड़ाई में। ये हमारा 2 इंच का कपड़ा, चलिए देखते हैं बटन पट्टी किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले हम ये बटन पट्टी लगाएंगे कपड़े की सीधी साइड और ये उल्टी साइड है। सीधी साइड पे पट्टी अटैच करेंगे इस तरह से, हमें ये यहाँ पे इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच पे स्टिच लगा लेनी है। सिलाई होने के बाद ये साइड को हम इस तरह पट्टी की तरफ फोल्ड करेंगे,
फिर से ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है, दूसरी साइड की बटन पट्टी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ से जो हमारा दूसरी साइड है, यहाँ पे नीचे की तरफ से हमें इस कपड़े को यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ से यहाँ तक 5 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अभी से हम फिर से सीधी तरफ लेंगे और इस बटन पट्टी को सामने की तरफ इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए जो हमने सिलाई लगाई है इसे इस तरह से प्रेस करना है। इस बटन पट्टी को, ये सिलाई को हम इस तरफ जिधर से हमारी बटन पट्टी है उसकी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये पट्टी को इस पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। जहां तक हमारी स्टिच है उसका 1/2 इंच ऊपर तक हम स्टिच करेंगे, यहां तक हमें स्टिच करनी है। यहां आके हमें इस तरह से सुई अटैच करते हुए रुक जाना है। इस तरह से हम ये बटन पट्टी को इसकी तरफ इस तरह से करेंगे। यहां से हमें ये साइड इस तरह से आते हुए यहां पे लॉक करना है। इस तरह से लॉक करने के बाद यहाँ से हम कंटिन्यू स्टिच करेंगे। हमने लॉक कर दिया यहाँ पे। हमारे कपड़े की जो सल है उसी के लेवल में हमें ये इसकी नोक रखनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी तैयार हो गई है। अब बैक साइड को इस पर रखेंगे और शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर लेंगे। आधे इंच पर स्टिच कर लेंगे। शोल्डर से शोल्डर हमने सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई ली है हमने। अब इसे एक खीसा लगाना है, उसके लिए हमने इस तरह से ये एक पुट्ठा ले लिया है और उसे 3/4 चौड़ाई में और 4 लंबाई में इस तरह से कट लगाते हुए इसे तैयार कर लिया है। इसी के मुताबिक हमें खीसा तैयार करना है। ये देखिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर हमें ये इस तरह से रखना है। पहले हम इसकी पट्टी फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच पर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे प्रेस लगा लेंगे। फिर से इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये फोल्ड करने के बाद हमें ये पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रखना है। अब ये जो हमने पुट्ठा लिया है इसी के मुताबिक हमें इसे फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम 1/2 इंच पे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब नीचे का जो कपड़ा है उसे भी हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्रेस लगा लेना है।
ये देखिए यहाँ पे से हमें ये हमने जो इसमें पुट्ठा ऐड किया था उसे निकाल लेना है। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, फिर से इसे प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए हमारा ये खीसा तैयार हो गया है। अब इसे हम अटैच करेंगे। साइड जो है सीधी साइड पे हमें यहाँ पे खीसा ऐड करना है। ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पे 8 इंच पे खीसे को ऐड करना है। यहाँ पे इस तरह से हम ये खीसे को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए हम ये खीसे को यहाँ पे ऐड कर देंगे। खीसे को हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें स्लीव्स को कफ अटैच करना है। पहले हम कफ तैयार करेंगे। स्लीव्स हमने ले लिए हैं, पहले हमें यहाँ पे स्टिच करना है। कफ अटैच करने से पहले हमें यहाँ पे 4 साइड पे सिलाई लगाना है। यहाँ से नीचे की साइड से जहाँ पे हमारी आस्तीन की गोलाई है, यहाँ से यहाँ पे हमें 3 इंच पे डॉट लगाना है। ये देखिए यहाँ से इतना 3 इंच पे हम कैंची के नोक से खचका लगा लेंगे। इस तरह से खचका लगाने के बाद ये साइड जहाँ पे हमने खचका लगाया है वहाँ से हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए चारों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच कर लेंगे 3 इंच के फासले पे। देखिए दोनों साइड पे हमने इसे स्टिच लगा ली है 1/2 इंच के फासले पे, और दोनों स्टिचिंग जहाँ पे हमने स्टिच किए हैं इसे इस तरह से एक दूसरे के पास पकड़ेंगे और यहाँ पे सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कैंची की नोक से हमने इसे कट लगा लिया है। अब ये कट लगाने के बाद जहाँ पे हमने कट लगाया है इधर से 1/2 इंच की प्लेट उठाते हुए इधर की तरफ रखेंगे, इधर से 1/2 इंच की प्लेट उठाते हुए इधर से इधर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीव तैयार करेंगे। स्टिच लगाने के बाद ये देखिए हमने ये कफ तैयार करके रख लिए थे पहले से ही। हमने ये शुगर कैनवीस के कफ तैयार किए हैं। हमने ये 2.25 इंच की चौड़ाई ली है और 4 इंच की इसकी लंबाई ली है। इस तरह से हमने इसे कट लगाते हुए डबल कपड़े पर प्रेस करके रख लिया है। ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। इसे हम डबल कपड़े पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगा लेंगे। एक साइड हमें ओपन रखनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट्स लगा ली है और ये देखिए इसे भी हमने स्टिच कर लिया है चारों साइड से। स्टिच करने के बाद हमने इसे 1/2 इंच पे कटिंग कर लिया है और ये साइड हमारी इस तरह से ओपन है। ये जो साइड हमारी ओपन है उसे हम एक कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद इसे पूरी तरह से हम इस तरह से ओपन करते हुए इसे भी प्रेस लगा लेंगे। इसे भी हमने तैयार कर लिया है। ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके हमने इसे इस तरह से पलटाते हुए इसे भी प्रेस कर लिया है। एक साइड हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है और एक साइड हमारी ओपन है। ये ओपन वाली साइड हम स्लीव्स का ये सीधे वाला भाग है, इसकी उल्टी वाली साइड की तरफ से हम ये ओपन वाला साइड इस तरह से रखेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए हम इसे यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे स्टिच लगाना हो गई है। सही है। अब ये कफ हमारा हम सीधी तरफ लेंगे। ये सिलाई को हम पूरी तरह से अंदर की तरफ इस तरह से डालते हुए, ये देखिए इस तरह से डालते हुए हम ये कफ को इस तरह से रखेंगे। कॉर्नर पे स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे टर्न लेंगे और 1/2 इंच के फासले पे हम यहाँ पे पूरी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने हमारे कफ को स्टिच लगा ली है। हमारे स्लीव्स तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब इसे हम पठानी के कुर्ते के ऊपर अटैच करने का तरीका देखेंगे। यहाँ पे हम कुर्ते को इस तरह से रखेंगे। ये हमारे स्लीव्स की सीधी साइड है, उल्टी साइड पे हम इस तरह से रखेंगे।
और यहाँ से आधे इंच पर स्टिच करते हुए हम ये स्लीव्स को अटैच करेंगे। दोनों साइड की हमारी स्लीव्स अटैच करना हो गई है। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम यहाँ पे पहले फ्लेयर को सिलाई लगा लेंगे। डॉट लगे हुए यहाँ से हमें पहले फ्लेयर को सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हम इसकी फिटिंग देखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा डॉट है। इस डॉट के पास हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर से हमें इसे पाव इंच पे फोल्ड करना है। इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम पूरे फ्लेयर को सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है, ऊपर के फ्लेयर को भी और नीचे के फ्लेयर को भी। हमारे दोनों फ्लेयर तैयार हो गए हैं, अब इसे उल्टी साइड पे डालेंगे। जहाँ पे हमने स्टिच किए हैं कफ के पास, यहाँ से हमें इधर इस तरह से स्टिच एक इंच के फासले पे इसी डॉट पर हमें स्टिच करना है। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे, यहाँ से हमें यहाँ से इस तरह से बाहर निकलना है। साइड पे स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड की फिटिंग हमने एक इंच के फासले पे लगा ली है। अब गले का नाप लेते हुए कॉलर अटैच करेंगे। गले का नाप लेने के लिए बटन पट्टी को हम एक दूसरे के पास इस तरह से पकड़ेंगे और गले को इस तरह से पकड़ते हुए हमें पूरा नाप ले लेना है। ये देखिए इस तरह से ये पौने सात का गला हमारा तैयार है। इस तरह से हम बॉटम पट्टी लेंगे। यहाँ पे हमें पौने सात पे इस तरह से डॉट लगाएंगे। एक क्वार्टर बढ़ते हुए लेना है। इस तरह से हम स्ट्रेट में यहाँ से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये कॉलर को तैयार कर लिया है। अब ये कॉलर को हम कपड़े पे प्रेस कर लेंगे और जिस तरह से हमने कफ तैयार किए थे उसी तरह से हमें इसे भी तैयार करना है। डबल कपड़े पे हमने इसे प्रेस कर लिया है और यहाँ से यहाँ तक हमने इसे स्टिच लगा ली है। एक साइड हमने इसे ओपन रखा है, ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम पाव इंच पे साइड का कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा में है यहाँ पे हम पाव इंच पे पूरी कटिंग कर लेंगे और ये साइड का एक कपड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने कफ जिस तरह से तैयार की थी उसी तरह से हमें तैयार करना है। हम ये कॉलर लेंगे और जो हमारा छूटा हुआ भाग है इसे हम अंदर की तरफ से इस तरह से रखेंगे और कपड़ा जितना हमारा छूटा हुआ है इसी के लेवल में हमें पूरे गले पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है ये कॉलर को हम इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और इसके कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए ये कॉलर को भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पठानी कुर्ता पूरी तरह से तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल स्टेप लेते हुए और बहुत ही समझाते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। आपको अगर ये वीडियो की स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।